राधाकुंड में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ मुकुट ध्वजा पूजन व गणेश शोभा यात्रा के साथ हो गया। वहीं समाज सेवी सुरेश जोशी ने रामलीला कमेटी को 3 किलो 351 ग्राम चांदी के नए मुकुट राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी को भेंट किए। मंगलवार को राधाकुंड जवाहर चौक हनुमान मंदिर पर 5 विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ 3 किलो 351 ग्राम चांदी के नए 5 मुकुटों का पूजन हनुमान मंदिर में किया गया। रामलीला महोत्सव के दौरान हनुमान मंदिर से बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। भक्तों ने 5 मुकुट सिर पर रख कर यात्रा में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। बैंड बाजे और नफीरी की धुन पर भक्त जमकर थिरक रहे थे और स्थानीय लोग पुष्प वर्षा कर निहाल हो रहे थे। पूरा वातावरण राममय हो गया। शोभा यात्रा बड़ा बाजार, जोशी मोहल्ला, जाटवान मोहल्ला, पुलिस चौकी तिराहा होते हुए मिशान मोहल्ला रामलीला मैदान पहुंची। यहां समाज सेवी सुरेश जोशी, पुत्र छगन लाल जोशी, माता प्रेमवती देवी ने पूजन कर रामलीला कमेटी को 3 किलो 351 ग्राम चांदी के नए मुकुट राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता स्वरूप को भेंट किए गए। समाज सेवी सुरेश जोशी ने बताया कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी लीलाओं के दर्शन करने से ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वरूपों के लिए चांदी के मुकुट भेंट कर पाया हूँ, जिससे मुझे आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। वहीं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने पटका पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गिरिराज जोशी, कृष्ण मुरारी उपाध्याय, सभासद भोला दुबे, राम जोशी, हरिशंकर शुक्ला, देवेंद्र कौशिक, लक्ष्मीकांत मिश्र, छैल बिहारी गोस्वामी, प्रतीक जोशी, अवध बिहारी गोस्वामी, महेश कौशिक, विष्णु जोशी आदि मौजूद रहे।